नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉटस्टार स्कॉलर शो, ब्रेक फ्री शो। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। बजट के हफ्ते के पहले दिन बाजार में दायरे में कारोबार देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 33 अंक और निफ्टी 8 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में खास तौर पर टेलीकॉम शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही और टेलीकॉम इंडेक्स करीब करीब 6% की उसमें तेजी देखी गई। वहीं इसके अलावा फार्मा, टेक्सटाइल और केमिकल, साथ ही फर्टिलाइजर शेयरों में आज खरीदारी रही। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और तेल गैस शेयरों पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। क्या मानना है जानकारों का आने वाले दिनों के लिए, मार्केट का रुख कैसा रह सकता है, जानते हैं। जो एंट्री लेवल के लिए है, जो मिडिल क्लास के लिए, 5 लाख 7 लाख 10 लाख की इनकम वाले हैं, उनके लिए कम हो सकता है। मेरा ये मानना है कि जो हायर एंड है, जो ऊपर के इनकम वाले लोग हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स शायद कम होएगा नहीं। और जहाँ तक कॉरपोरेट टैक्स का मामला है, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया ही है कि 2018-19 तक उनको 25% पे लेके आना है। सो आई थिंक ये साल कॉरपोरेट टैक्स कम हो सकते हैं। सो कॉरपोरेट टैक्स होंगे वो जो नीचे के लेवल पे इनकम टैक्स रेट भी रिड्यूस होंगे, लेकिन ऊपर के लेवल पे इनकम टैक्स रेट आई थिंक इतने ही दे विल स्टे वेयर दे आर। जहाँ तक इंडिविजुअल टैक्स का सवाल है, हाँ कुछ छोटे लेवल पे तो रियायत मिलेगी। मुझे लगता है इसमें भी सरकार कुछ ऐसा करेगी या कम से कम भरोसा दिलाएगी कि आगे जाके इनकम टैक्स की दरों में कमी होने की उम्मीद है। और एक बड़ा मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अगर सरकार जो एसटीटी जो है उसको या तो कुछ उसमें कम करे, या उसको एक जो पहले शुरू में जब एसटीटी चालू हुआ था कि इसको टैक्स की तरह माना जाए बजाय एक एक्सपेंडिचर तरह है, तो ऐसी चीजें अटकलें लगाई जा रही कि इसमें कुछ सुधार आने की चेंज होने की संभावना है, और उसी के ऊपर मार्केट में आपको इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो बाजार को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। फिलहाल अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो FIIs ने आज 607 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी की है। वहीं DIIs की बात करें तो उन्होंने आज 40.04 करोड़ कैश में खरीदारी की है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट ब्रजेश सिंह आज जुड़े हुए हैं हॉट स्टॉक्स में। हमारे साथ ब्रजेश, आपका बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में, वेरी गुड इवनिंग टू यू। बजट के हफ्ते का पहला दिन दायरे में कारोबार रहा, एक्सपेक्टेशंस काफी है सेक्टर की, फिलहाल क्या लेवल्स देखते हैं आने वाले टाइम में? कल इकोनॉमिक सर्वे और 1 फरवरी को बजट पेश होगा। गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, मेरा मानना तो यही है कि मार्केट में रैली ऑलरेडी लास्ट वीक से जो आई है 8,430 8,432 से है, और उसने रिसेंटली हाई 8,673 का जो बनाया, वो रैली बरकरार ही रहेगी। जिस हिसाब से मार्केट का मूड है, ओवरऑल ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों ही पॉजिटिव रुझान लेके चल रहे हैं। रही बात टैक्सेशन पे, आई थिंक नथिंग टू बी वरीड अबाउट एज सच। अगर टेक्निकल भाषा में अगर मैं इसका बोलूँ तो मुझे जब तक 8,450 नीचे में ब्रेक नहीं करता है तब तक तो आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रख सकते हैं इनिशियल बेसिस पे। दो शॉर्ट टर्म अच्छे सपोर्ट हैं, और अगर एग्रेसिव बाइंग करना चाहते हैं तो 8,590 का नीचे, और उसके नीचे का अगर हम देखें तो 8,530। तो ये दो और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जिनको हम लेके चल सकते हैं। अपसाइड की बात करता तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अब बजट या उससे एक उसके बाद 8,770 का लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है, और अगर रैली एक्सटेंड हुई तो हो सकता है कि आपको 8,900 तक के भी लेवल फरवरी में देखने को मिल जाए। राइट, कुछ कॉलर से भी बात करते हैं जो कि हमसे जानना चाह रहे हैं काफ़ी सवाल, और बीच बीच में हम आपको कुछ और खबरें भी इंपॉर्टेंट देती रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पुणे से संगमेश्वरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक से। बताइए किस शेयर पे आपका सवाल है। मैम, मेरे पास आईटा की शेयर है एक्चुअली 385 के भाग से लिया हुआ था। MBCC भी आपके पास? हाँ, वो MBCC भी है 270 शेयर्स है, अराउंड 257 एवरेजिंग करके हुआ है उसका। तो व्हाट शुड आई डू, शुड आई MBCC में कोई स्ट्रेटजी आपने सेट की है? बजट से कोई उम्मीद है आपकी, आपका जो शेयर है उसमें आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ मूव डिसाइड करेंगे? बजट के बाद भी मैं होल्ड कर सकती हूँ एक्चुअली 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के लिए। ऑलराइट ब्रजेश, NBCC में इनके शेयर हैं 255, फिलहाल क्या करें इस पर्टिकुलर शेयर में?
देखिए एनबीसीसी की अगर मैं बोलूं तो डेली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और सम सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट ऑफ एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन भी दिख रहा है और बने रहने की ही सलाह रहेगी। 240 का अच्छा सपोर्ट है तो मैं डीपर सपोर्ट में कह रहा हूँ उसका आप स्टॉप लॉस बना के चलिए। इमीडिएट बेसिस पे आपको 280 या 290 का एक रेजिस्टेंस जोर है जहाँ थोड़ी बहुत सप्लाई देखने को मिलेगी क्योंकि इनका व्यू 3 से 4 महीने का है तो मेरा मानना यह है कि 3 से 4 महीने में इनको लगभग 320 के लेवल देखने को मिल सकते हैं और अगर व्यू लगभग 9 महीने के आसपास का तो 340-350 के भी लेवल देखने को मिल जाएंगे तो बने रहने की सलाह रहेगी। 220 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर जरूर चले। 220 का स्टॉप लॉस एनबीसीसी पे आप लगाएं और बने रहने की सलाह हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं, कोलकाता से विजय जी ने हमें भेजा है और इनका सवाल है जेके टायर पर। 300 शेयर इनके पास है जेके टायर के, इनका खरीद भाव इस पर है 140 रुपए, फिलहाल ये है लॉस में 125 रुपए 25 पैसे पर। इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, जेके टायर में फिलहाल क्या करें जिसमें इन्हें फिलहाल लॉस है? देखिए लगभग जेके टायर का बोलूं तो एक 5-7 दिन पहले लगभग 140 के आसपास का एक हाई भी मारा था, वहां से ही थोड़ी सी पिकवाली देखने को मिली। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, डेली चार्ट एज वेल एज वीकली चार्ट दोनों पे ही अपवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। मोर इम्पोर्टेंट मूविंग जो एवरेजेस होते हैं उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, बने रहने की सलाह रहेगी। 115 के आसपास का सपोर्ट आता है उसका स्टॉप लॉस जरूर लेके चले। शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो कि मेरा मतलब 2 से 3 महीने के लिहाज से अगर इनका व्यू है तो लगभग इनको 170-175 के लेवल का टारगेट देखने को मिल सकता है और अगर व्यू 9 मंथ प्लस होराइजन का लेके चलना चाहते हैं तो लगभग 225 के भी लेवल चार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं तो बने रहने की सलाह रहेगी। 115 का स्टॉप लॉस जेके टायर पर आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं, पुणे से विशाल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। विशाल जी बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में, कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास MRF है 4 शेयर्स। ऑलराइट, कोई स्ट्रेटजी आपने रखी है इस पर्टिकुलर स्टॉक पर, क्या करना चाहते हैं आगे? फिलहाल तो आपको लॉस है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, 51,929 पर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। MRF में इनकी स्ट्रेटजी आपको कैसी लगती है, क्या करें? देखिए 2-3 हफ्ते पहले ही लगभग 55,940 के आसपास का इसका 52 वीक का ऑल टाइम हाई बनाया और वहीं से थोड़ी सी बहुत इसको बिकवाली देखने को मिली है। ओवरऑल अगर ट्रेंड देखूं तो लगभग 46,300 के आसपास से रैली बिल्डअप हुई थी और वो ही अभी भी बरकरार रही है तो होल्ड ऑन की ही सलाह रहेगी। थोड़ा डीपर सपोर्ट लगभग अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50,000 के आसपास में आ रहा है तो उसका स्टॉप लॉस लेके चले। जो खरीद भाव है इनका लगभग 54,500 के आसपास, वो एक थोड़ा रेजिस्टेंस की तरफ प्ले करेगा बट ओवरऑल ट्रेंड क्योंकि सिंस इनने बताया है कि मीडियम टर्म होराइजन का इनका व्यू है तो बने रहने की सलाह रहेगी। 59,000-60,000 के आसपास का लेवल है, वहां पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 6 से 9 महीने के लिहाज से। ऑलराइट, बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है इस वक्त MRF में हमारे एक्सपर्ट की ओर से। इस वक्त हमारे साथ, चलिए हमारे पास सवाल है इनफैक्ट हैदराबाद से बिंदु जी का, इनका सवाल है जैन इरिगेशन पर। इन्होंने फ्यूचर के 4 लॉट लिए हैं एट द रेट ऑफ 93.55। फिलहाल अगर हम बात करें जैन इरिगेशन की, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फिलहाल इस पर्टिकुलर स्टॉक में इनकी? देखिए सर जी, ओवरऑल डेली चार्ट एज वेल एज वीकली चार्ट दोनों में ही अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जो इनकी खरीद भाव है वो बहुत अच्छी है, ब्रेकआउट लेवल पे इनने खरीदा हुआ है, 91 के आसपास में सपोर्ट आता तो उसका स्टॉप लॉस लेने की सलाह रहेगी। एंड आई थिंक कि शायद बजट में कुछ फर्टिलाइजर और इरिगेशन पे शायद वित्त मंत्री कुछ कहें तो वो पॉजिटिव रुझान रहेगा तो उस हिसाब से मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे 90-99 के आसपास का रेजिस्टेंस जोर है, वो एक बार टच करता हुआ दिखेगा अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो। अगर थोड़ा व्यू थोड़ा सा इनका 2 से 3 महीने के लिहाज से अगर चलना चाहते हैं तो 110-115 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। एज ए डिस्क्लोजर ये पर्सनल होल्डिंग में भी मेरे में है। ऑलराइट, अगले कॉल इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से शिव कुमार जी हैं। शिव जी बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में, बताइए आपने कौन सा स्टॉक लिया है? वो M6 का है, M6 इंडिया का, वो 750 लिया मैंने 1300 में, अभी 1200 ऐसे चल रहा है। कितना दिन होगा मैम, आएगा क्या? आप किस कौन से स्टॉक पर सवाल पूछ रहे हैं? MCX पे। ऑल राइट, MCX पे फिलहाल तो आपको आपके खरीद भाव के हिसाब से हो रहा है लॉस ही, आपने कोई स्ट्रेटजी सेट की है? नहीं मैडम, ओनली एक महीने दो महीने तक इनका नजरिया है MCX पर, क्या करेंगे ब्रिजेश?
देखिए ये जो भाव जो ने लिया है लगभग 1300, वो एक थोड़ा सा एक हायर एंड पे ने बाइंग की हुई है। हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव ही है, डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों में ही अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखा रहा है, वो बुलिशनेस ही होते हैं। 1050 के आसपास का अच्छा सपोर्ट निकलता है, उसका स्टॉप लॉस की सलाह रहेगी पहले। दूसरा, अगर एक बार 1220 के ऊपर ये बंद होता है तो डेफिनेटली आपको जो खरीद भाव है आपका वो टच करने की कोशिश करेगा, और 3 से 4 महीने के लिहाज से मोमेंटम बरकरार रहा तो आपको 1450 से 1500 तक के भी लेवल देखने को मिल जाएंगे, तो बने रहने की सलाह रहेगी। एमसीएक्स पर होल्ड ऑन करने की सलाह दी जा रही है आपको हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू। इनफैक्ट कुछ और कॉलर्स ले, लेकिन उससे पहले कुछ आज के आए नतीजों की बात करें। सबसे पहले HDFC ने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। Q3 में कंपनी का मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा करीब 13% बढ़कर 2730 करोड़ रुपए हुआ। वहीं कंपनी की आय कंसो आय 22% बढ़कर 14981 करोड़ रुपए रही, और Q3 में लोन कारोबार ग्रोथ करीब 12.5% बढ़कर 8630 करोड़ रुपए रहा। HDFC के नतीजों पर आपका आपकी राय ब्रजेश? देखिए सतीश जी, ओवरऑल ट्रेंड तो फैंटास्टिक है, और अगर 4-5 दिन से देखें तो जो रैली 1250-1220 से जो पकड़ी हुई है स्टॉक ने, वो बरकरार ही रहेगी, और मेरा अनुमान ये है कि ये रैली लगभग आपको इमीडिएट बेसिस पर 1450 तक लेके जाएगी। अगर किसी को बाइंग करनी है तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं एग्रेसिव। अगर ट्रेडर्स के लिए 1340 का स्टॉप लॉस लेने की सलाह रहेगी, 1450 का टारगेट है। अगर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू की अगर आप बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बने रहिए लॉन्ग टर्म होराइजन में। 1700 के भाव निकल के आ रहे हैं और 1800 तक के भी भाव लगभग 6 से 9 महीने में निकल सकते हैं, तो डेफिनेटली बने रहने की ही सलाह है। ऑलराइट, ग्रासिम की बात करें तो तीसरी तिमाही में ग्रासिम का कंसोलिडेटेड मुनाफा करीब 14% बढ़कर 728 करोड़ रुपए रहा है। कंसोलिडेटेड आय में करीब 1% बढ़ोतरी रही है। वहीं कंसो आय बढ़कर 9577 करोड़ रुपए रही। कंसो एबिटा भी 4.5% बढ़कर 1711 करोड़ रुपए रहा है। क्या करना चाहिए अब नतीजों के बाद इस पर्टिकुलर शेयर में ग्रासिम में? देखिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ये 970 के आसपास में, तो मेरा मानना ये है कि आप अगर किसी ने होल्ड ऑन कर रखा है तो आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो 900 के नीचे एक बार आप दाव लगा सकते हैं। 840-850 का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेके एंड लुक आउट फॉर द टारगेट ऑफ 1050 और 1100। ये 3 से 4 महीने के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, तो वो लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। ये जो मौजूदा स्तर है ये थोड़ा सा मुझे इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और एक बार हो सकता है स्टॉक 900 या 900 के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिखे। ऑलराइट, ये तो रही बात नतीजों की, लेकिन अब बारी आ गई है टॉप 20 स्टॉक्स की, ऐसे स्टॉक्स जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं। और टॉप 20 में पहला ही स्टॉक जो है हमारा वो रहेगा रिलायंस कम्युनिकेशन का, जिसमें आपको 35.5 के लेवल्स पर बाय की सलाह दी जा रही, 34.1 का स्टॉप लॉस लगा। इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया खबरों से टेलीकॉम शेयर में तेजी रही है और औसत के मुकाबले 6 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें तेजी रही है। दूसरा शेयर हमारा होगा श्री सीमेंट का, जिसमें 15,800 के लेवल पर आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है। 15,520 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कर्नाटक में नए प्लांट पर 1800 करोड़ रुपए के निवेश को बोर्ड ने मंजूरी दी है, और बोर्ड ने खासतौर पर 100 रुपए प्रति शेयर के वन टाइम स्पेशल डिविडेंड को भी मंजूरी दी है। तीसरा स्टॉक रहेगा बजाज फिनसर्व का, जिसमें 3,290 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 3,170 का स्टॉप लॉस लगाएं। Q3 नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंसो मुनाफा 41% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगला जो स्टॉक होगा जिस पर हम बात करें वो है टिल लिमिटेड, जिसमें 275 के लेवल्स पर आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है। 265 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। Q3 में घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। साथ ही अगला जो स्टॉक होगा वो है सुंदरम फाइनेंस का, जिसमें आपको 1380 के लेवल्स पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1340 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कंपनी ने शेयर धारकों से मंजूरी मांगी है, खासतौर पर NCD के बदले शेयर जारी करने के लिए मंजूरी मांगी गई है। अगला शेयर है धाम शुगर का, जिसमें 180 के लेवल्स पर बाय करने की सलाह आपको दी जा रही है। 172 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। JP Morgan ने चीनी उत्पादन में कमी की आशंका जताई और चीनी उत्पादन 45% कम रहने का अनुमान जताया गया है अकॉर्डिंग टू JP Morgan। अगला स्टॉक है पॉली मेडिक्योर का, जिसमें आपको 435 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 390 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 6 फरवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है, दूसरे अंतरिम डिविडेंड और बोनस शेयर पर भी फैसला संभव है। अगला शेयर होगा काइटेक्स गार्मेंट का, जिसमें 450 के लेवल पर बाय करने की सलाह आपको दी जा रही है। 418 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। Q3 में मुनाफा 24 करोड़ रुपए से बढ़कर
31.7 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रहा है और आय 118 करोड़ रुपए से बढ़कर 142 करोड़ रुपए पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रही है। अगला स्टॉक होगा कैडिला का, जिसमें आपको 400 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 370 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। क्वार्टर 3 नतीजों से पहले शेयर में खरीदारी देखने को मिली और औसत के मुकाबले 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ तेजी दर्ज की गई है। 10वां स्टॉक होगा भारती इंफ्राटेल का, जिसमें 300 के लेवल पर सेल करने की सलाह आपको दी जा रही है। 332 का स्टॉप लॉस लगाएं। वोडाफोन आइडिया के विलय के बाद नई कंपनी इंडस टावर की प्रमोटर बनेगी। फिलहाल भारती इंफ्रा वोडाफोन के इंडस टावर में 42% हिस्सेदारी, आइडिया के इंडस टावर में 16% की हिस्सेदारी रहेगी। 10 स्टॉक्स की हमने टॉप 20 में बात की है, इसमें आपका कोई फेवरेट ब्रिजेश? देखिए सदी, 3-4 स्टॉक्स हैं अच्छे लग रहे हैं। आरकॉम डेफिनेटली टेलीकॉम सेक्टर के हिसाब से चार्ट पे बहुत अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। 31 के आसपास का अच्छा सपोर्ट निकलता है। 39-40 के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे आपको। श्री सीमेंट डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बाय इन द सीमेंट सेक्टर। 14,500 वुड बी अ स्टॉप लॉस फॉर शॉर्ट टर्म। 17,500-18,000 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। शुगर, जैसे आपने कहा शुगर में, धामपुर शुगर आज के सत्र में भी उसने लगभग 180 के आसपास का एक FIBW टॉप बनाया हुआ है। बाइंग करने की सलाह रहेगी। 160 का एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। टारगेट लगभग 200 के रहेंगे। और कैडिला हेल्थ चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है। 362 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 405-410 के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे देखने को मिलते हैं। तो आरकॉम, धाम शुगर, श्री सीमेंट और कैडिला आपके फेवरेट शेयर्स हैं। अब बाकी स्टॉक्स की बात करें टॉप 20 में, तो स्टरलाइट टेक हमारा अगला स्टॉक होगा। 131 के लेवल पर बाय करने की सलाह आपको दी जा रही है। 123 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। शेयर में वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है। दिन के उच्चतम स्तर के करीब इस पर्टिकुलर स्टॉक बंद हुआ है। उसके अगला स्टॉक है GIC हाउसिंग का, जिसमें आपको 308 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 296 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चुनिंदा हाउसिंग फाइनेंस शेयरों पर दाम लगा है। लगातार 30वें हफ्ते शेयर में तेजी देखी गई है। इसी के तहत अगला स्टॉक होगा गोदरेज कंज्यूमर का, जिसमें 1625 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1597 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। नतीजों के बाद शेयर में तेजी देखी गई है। खासतौर पर क्वार्टर 3 मुनाफा 367 करोड़ रुपए और अनुमान से बेहतर रहा है। अगला स्टॉक हमारा होगा JK पेपर का, जिसमें 98 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 92 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। शेयर में 3 सत्रों की गिरावट थमी है और निचले स्तरों से पुल बैक की तैयारी भी है। अगला शेयर हमारा है अरविंद, 392 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 374 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। टेक्सटाइल शेयरों में खासतौर पर खरीदारी देखी गई है। वायदा बाजार में तेजी के सौदे हैं। साथ ही अगला शेयर होगा नितिन फायर का, जिसमें 33.5 का आप के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 31 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखी गई है। 200 दिनों की एवरेज के ऊपर यह शेयर रहा है। नितिन फायर के बाद अगला हमारा शेयर होगा GSPL का, जिसमें 166 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 157 पर स्टॉप लॉस लगाए। 3 सत्रों की गिरावट के बाद ये शेयर पलटा है। 6 फरवरी को कंपनी के अब नतीजे भी आएंगे। अगला शेयर है हमारा स्पेशलिटी रेस्ट, जिसमें 82 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 75 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। डेली चार्ट पर पुल बैक के संकेत नजर आ रहे हैं। 50 हफ्ते के एवरेज के ऊपर ये शेयर निकला है। कैनफिन हमारा, कैनफिन होम्स हमारा अगला स्टॉक होगा, जिसमें 1865 के लेवल पर बाय करने की सलाह आपके लिए। 1820 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। लगातार दूसरे हफ्ते शेयर में तेजी रही और मंथली चार्ट खासतौर पर बेहद मजबूत लग रहा है। और आखिरी शेयर है इसमें हमारा इंड्योरेंस टेक का, जिसमें 640 के लेवल पर बाय करने की सलाह आपके लिए। 620 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकला है शेयर और अंतिम सत्र में वॉल्यूम के साथ तेजी रही है। इन शेयर में ब्रिजेश आपका कोई फेवरेट? देखिए 3 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं चार्ट में। एक स्टरलाइट अच्छा लग रहा है, 122 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। आज एक वॉल्यूम बैंड ब्रेकआउट भी है शॉर्ट टर्म के लिए, आज से स्विंग बेस ट्रेडिंग के लिए आज से 135-140 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। अरविंद चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट में ओए बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग ओए बिल्डअप देखने को मिला है। 369-370 का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 395 और हो सकता है कि टारगेट एक्सटेंड होते हुए भी दिखे आपको, 405 के आसपास भी दिखे। किन फाइनेंस अच्छा लग रहा है, मौजूदा स्तर पे 1790 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और चार्ट के अनुसार मेरे को लगता है कि जो इसका पिछला टॉप था लगभग 1870 चित्र के आसपास में, वो ब्रेक होता हुआ दिखेगा और टारगेट्स वुड बी एक्सटेंडेड टू 2000। ऑलराइट, ये तो बात रही टॉप 20 स्टॉक्स की। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे कॉलर्स का, जो कि अपने सवाल जानना चाह रहे हैं हमसे। इस वक्त चंडीगढ़ से सुखराज जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। बहुत स्वागत है सर आपका हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है। मैम मैंने ना 1000 गीतांजलि जेम्स खरीदे हैं 69.10 पैसे के हिसाब से। ऑलराइट, तो मैम 2-4 दिन का इसका टारगेट क्या हो सकता है? 2-4 दिन का टारगेट, कहीं आप बजट का इंतजार तो नहीं कर रहे? हाँ बस बजट का इंतजार है मैम। बजट का इंतजार है, गीतांजलि जेम्स में क्या करना चाहिए और उसी के लिए ये रुके हुए हैं इसमें?
देखिए बजट के अनुसार अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 65 और 66 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है बट स्टिल उसका सपोर्ट का स्टॉप लॉस की सलाह रहेगी और 71 और 72 के आसपास में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो अगर वो क्रॉस कर गया तो आपको नेक्स्ट लेवल जो देखने को मिलेगा वो लगभग 80 का मिलेगा। तो अगर वो बजट के अनुसार खेलना चाहते हैं तो फिर सलाह यही रहेगी कि आप एक बार 71-72 पे आप एक बार प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, अगले कॉल इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से विवेक सिंह जी। विवेक जी बहुत स्वागत है आपका, और स्टॉक्स में कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? मैम मेरे पास वरुण ब्रेवरेजेस पड़ा हुआ, उसका आईपीओ मैंने लिया था, 430 के लेवल पे ओपनिंग हुई थी और उसकी अभी जो प्राइस चल रही है वो 400 के करीब में चल रही है। जी जी, मेरे पास 500 शेयर पड़े हुए हैं जी, इसमें क्या करना चाहिए? 500 शेयर वरुण ब्रेवरेजेस में क्या करें, आईपीओ के टाइम लिया था इन्होंने। देखिए सतीश जी, ओवरऑल ट्रेंड तो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव है, 375 का एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो सलाह तो यही देखिए कि अगर ये 400 के नीचे ट्रेड करता है और 375 ब्रेक नहीं करता तो थोड़ा एक्यूमेट करें सो दैट कि इनका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए। 420 का जो एक 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 रेजिस्टेंस है तो एक बार अगर वो क्रॉस हो गया देन द नेक्स्ट लेवल टू वॉच वुड बी समवेयर अराउंड 500। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्गर टर्म होराइजन, शॉर्ट टर्म के लिए 420-425 आप मान सकते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं हमारे पास भावनगर से दिनेश जी का सवाल है और फर्स्ट सोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। 300 शेयर इनके पास है जिस पर 38 इनका खरीद भाव है, फिलहाल मुनाफे में है क्योंकि लगभग 41 के लेवल पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। हमारे साथ फोन लाइन पर भी दिनेश जी, बहुत स्वागत है फर्स्ट सोर्स पर, आपकी क्या स्ट्रेटजी है फिलहाल, आपको मुनाफा है इसमें? हेलो जी दिनेश जी, फर्स्ट सोर्स के आपने 300 शेयर ले रखे हैं जिसमें आपको फिलहाल मुनाफा है, क्या स्ट्रेटजी आपने सेट की, कब तक रखना चाह रहे हैं? हाँ मैडम, मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो मैं एक साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या टारगेट रहेगा और क्या क्या करना चाहिए मेरे को? हमारे जो एक्सपर्ट है ब्रिजेश वही आपको बताएंगे। ब्रिजेश, लॉन्ग टर्म निवेशक फर्स्ट सोर्स में, वैसे एक साल इन्होंने कहा है, क्या करें? देखिए एक साल के व्यू के हिसाब से तो ये शेयर उतना मुनाफा देके नहीं जाएगा, फिर भी अगर इनका अगर मिड टर्म होराइजन के बारे में अगर रुझान है तो मैं ये कहूंगा कि आप बने रहिए। स्टॉक चार्ट पे मिड टर्म होराइजन अच्छा लग रहा है, 4-5-6 महीने के लिहाज से 38 पे आपने बाइंग की, 40 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। आई थिंक मोमेंटम बरकरार आ रहा है और एक बार 43-44 का एक दायरा रेजिस्टेंस माइल्ड वो मुझे लगता है कि एक बार क्रॉस होता हुआ हो जाएगा और आपको 50 के लेवल आपको 3-4 महीने में देखने को मिल जाएंगे। अगर उसको थोड़ा एक्सटेंड भी करेंगे तो 6 महीने के हिसाब से आपको एक बार हो सकता है कि 60 के भी लेवल देखने को मिल जाए, पर मेरा सुझाव यही रहेगा कि एक बार आप इसमें से निकल के ब्लू चिप कंपनी में निवेश कीजिए, वही आपको ज्यादा रिटर्न दे सकती है। ऑलराइट, तो फिलहाल फर्स्ट सोर्स से आपको निकलने की सलाह दी जा रही है हमारे एक्सपर्ट के जरिए और कुछ अल्टरनेटिव भी उन्होंने बताए हैं। इनफैक्ट समय हमारे पास इतने ही कॉलर्स हम ले पाएंगे, लेकिन जिन स्टॉक्स पर हमने आज बात की है ब्रिजेश, उन पर आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? देखिए सतीश, जो भी आज स्टॉक्स में बात हुई है मेरी पर्सनल होल्डिंग एक दो शेयर्स में थी, वो मैंने आपको डिस्क्लोजर बतौर बताया है, बाकी का तो और कोई शेयर्स में मेरी होल्डिंग नहीं है। थैंक यू सो मच ब्रिजेश सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए हॉट स्टॉक्स के आज के इस एपिसोड में, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।